Hello students, welcome to the class. I hope all of you are doing good. So, आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो एक जो केस की सीरीज है उसका पार्ट है. ये पहला लेक्चर है, मतलब जितने भी सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं इंडियन पॉलिटी के परस्पेक्टिव से, उन सब केसेस को हम डिस्कस करेंगे. तो आज हमारा ये जो क्लास है, ये पहला क्लास है उस लेक्चर सीरीज का. हम कोशिश करेंगे बिफोर प्रिलिम्स 2023 हम सारे इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर क्लास ले आए. ठीक है, तो हम ये भी बताएंगे इन केसेस का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं यूपीएससी पूछेगा कि एसआर बुमई केस के बारे में बताओ, वो बहुत रेयरिटी है. जैसे आईआर कोयलो केस के बारे में 2016 में पूछ लिया था, बट उस तरह का सिचुएशन बहुत रेयर रहता है. इन केसेस को समझ के आप इनकी एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के क्वेश्चन में इस चीज को मेंशन कर पाओगे. तो आज हम डील कर रहे हैं एसआर बुमई केस. काफी महत्वपूर्ण ये केस है, 1994 का केस है. इस केस में क्या हुआ था और क्या स्टैंडर्ड्स सेटअप करे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के ऑफिस के लिए और राष्ट्रपति के लिए, और इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उन सबको समझेंगे. नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, बिकॉज ये वाला टॉपिक किस चीज के साथ रिलेटेड है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म. ये फेडरलिज्म को लेके रिलेटेड है ये वाला टॉपिक. तो फेडरलिज्म के साथ बेटा ये वाला टॉपिक जुड़ा हुआ है. एंड फेडरलिज्म में हिंदुस्तान में किस तरह से है, कुछ ताकतें केंद्र के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है. यूनियन गवर्नमेंट लगभग 100+ चीजों के ऊपर लॉ बना सकता है और 100+ चीजों के ऊपर वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकता है केंद्र की सरकार अगर देखे तो. उसी तरह से जो राज्यों की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाती है. और स्टेट लिस्ट में आप देखेंगे तो टोटल मिला के 61 फंक्शंस हैं. केंद्र का और राज्यों का तालमेल बना रहे, इसीलिए केंद्र क्या करता है, अपना एक ऑफिसर जो है वो राज्यों में भेजता है, और उस ऑफिसर का क्या नाम रहता है, वो है गवर्नर. तो गवर्नर इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. तो गवर्नर केंद्र की सरकार को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में. अब गवर्नर क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत समझना जरूरी है. देखिए, गवर्नर इसीलिए आता है स्टेट्स में ताकि वो ये देख सके कि जो स्टेट्स की सरकारें हैं क्या वो संविधानिक तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं. अगर वो संविधानिक तरीके से नहीं चल रही हैं तो ये जो राज्यपाल हैं ये एक चिट्ठी लिखते हैं केंद्र में कि सिचुएशन अच्छी नहीं है स्टेट्स की, और उस किसी पर्टिकुलर स्टेट की वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, और उसमें वहां पे उस स्टेट में इमरजेंसी लगा देनी चाहिए. तो ये वाला काम बेसिकली गवर्नर का एक बहुत अहम रोल है ये वाला गवर्नर का. अगर हम स्टेट्स को और समझने की कोशिश करें तो चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट है हमारे पास, और चाहे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों लेवल के ऊपर हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं. एक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जिसको स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं सीएम, और जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यपाल, जिनको गवर्नर कहते हैं. गवर्नर के पास सब्सटेंटिव पावर्स नहीं होती. मतलब कहने का क्या मतलब है, गवर्नर के पास डी जुरे ताकतें रहती हैं, गवर्नर के पास डी फैक्टो ताकत नहीं रहती. डी फैक्टो का मतलब होता है रियल, असल में, और डी जुरे का मतलब होता है ऐसे ही. तो बेसिकली गवर्नर के नाम पे राज्यों में काम तो होते हैं, बट गवर्नर के पास मेन तौर के ऊपर ताकतें नहीं होती. तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे एसआर बुमई केस में क्या हुआ 1994 में, और ये गवर्नर के साथ, राष्ट्रपति के साथ और इमरजेंसी के साथ ये वाला केस कैसे जुड़ा हुआ है. कहानी किस साल की है, कहानी स्टार्ट होती है 1985 की में. 1985 का ये कहानी है. 1985 में क्या होता है, कर्नाटक की बात है, कर्नाटका का बात है ये वाला, ठीक है ना. तो कर्नाटका
में जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी वो पार्टी है जहां से बीजेपी निकल के आई है। जनता पार्टी कर्नाटका में जीत जाती है और जनता पार्टी अपनी सरकार बना देती है। और उस समय जनता पार्टी की सरकार को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? रामाकृष्ण हेगड़े। तो रामाकृष्ण हेगड़े हैं जो बेसिकली जनता पार्टी की सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे कर्नाटक में। बट आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हेगड़े जी को रिप्लेस कर दिया जाता है। किसके साथ? एसआर बोमई के साथ। और एसआर बोमई भी किस पॉलिटिकल पार्टी के रहते हैं? जनता पार्टी के रहते हैं। तो 3 साल के बाद कर्नाटका में वह उनका सीएम जो है वो बदल दिया जाता है और सीएम कौन बन जाते हैं? एसआर बोमई बन जाते हैं। अब जो जनता पार्टी के साथ, ठीक है ना, कुछ लोग रहते हैं जनता दल के भी, ठीक है ना, और कुछ कुछ जो लेजिस्लेचर्स रहते हैं जनता दल के वो बेसिकली डिफेक्ट कर जाते हैं पार्टी से। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग उन्हीं की पार्टी के छोड़ के उनकी पार्टी को चले जाते हैं और वो एक लेटर लिख देते हैं। किसको चिट्ठी लिखते हैं? राज्यपाल को चिट्ठी लिखते हैं कि वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं बोमई सरकार को। गवर्नर को चिट्ठी लिख दी जाती है। जब ये सारी सिचुएशन कर्नाटका में चल रही होती है तो केंद्र में किसकी सरकार होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। केंद्र में उस समय राजीव गांधी का सरकार था। राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे और जो राज्यपाल थे, राज्यपाल राजीव गांधी को फोन करते हैं और बताते हैं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो एसआर बोमई की सरकार को कुछ एमएलए जो सपोर्ट कर रहे थे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हाँ, वो विड्रॉ कर रहे हैं सपोर्ट जो इनकी सरकार को दिया हुआ था, जनता पार्टी की सरकार को। तो राजीव गांधी जी से डायरेक्शन आता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री से डायरेक्शन आता है, क्या आता है कि सरकार को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एसआर बोमई की सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो एसआर बोमई की सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है राजीव गांधी के कहने के ऊपर। मतलब अगर बहुमत नहीं है और उनको डिसमिस कर दिया गया है, देखने में तो ये चीज सही लगती है, बट अगर हम इसको देखते हैं किसके मापदंड के हिसाब से, अगर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखते हैं, PONJ के हिसाब से देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखते हैं, बहुत जरूरी था कि एसआर बोमई को एक मौका जरूर देना चाहिए था। किस चीज का मौका देना चाहिए था? अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का। क्योंकि एसआर बोमई चिल्लाते रहे, एसआर बोमई कहते रहे कि नहीं, मेरे पास बहुमत है, मेरे पास बहुमत है, बट राजीव गांधी की सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी। गवर्नर ने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, गवर्नर ने सेशन को कॉल नहीं किया, क्योंकि यहां पे जिम्मेदारी बनती थी गवर्नर की कि वो सेशन को कॉल करते, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन कॉल करते और एसआर बोमई को मौका देते कि भैया मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने अपनी सपोर्ट आपसे विड्रॉ कर ली है, मुझे शंका है कि अब आपकी सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो इसीलिए आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव कराइए इस लेजिस्लेचर में, और नहीं करा पाएंगे तो हम आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और आपकी सरकार को डिसमिस कर देंगे। बट गवर्नर ने ऐसा नहीं किया, करना चाहिए था एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसीलिए कहा गया कि जो कर्नाटका के केस में जो डिसीजन था ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते रहे हैं आज तक हिंदुस्तान में कि गवर्नर के ऑफिस का हम मतलब खूब तरीके से मिसयूज करती आई है केंद्र की सरकारें। इस पर बहुत इस तरह बहुत बार हुआ है। एसआर बोमई काफी रेजिलियंट आदमी थे। एसआर बोमई को पता था कि उनके साथ इनजस्टिस हो चुका है और एसआर बोमई एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहते थे। एसआर बोमई ने क्या करा? दरवाजा खटखटाया। एसआर बोमई ने दरवाजा खटखटाया, किसका दरवाजा खटखटाया? एसआर बोमई ने सबसे पहले तो कर्नाटका की हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटका की हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी। कर्नाटका की हाई कोर्ट कहती कि आपके पास बहुमत नहीं था, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके पास बहुमत नहीं था, आपकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया, बिल्कुल सही किया आपके साथ। तो कर्नाटका की हाई कोर्ट ने भी साथ नहीं दिया इनका, गवर्नर ने भी इनका साथ नहीं दिया, इनको लगा हमारे साथ नाइंसाफी हो गया है। अब कहते हैं कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुल जाता है। और हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है बेटा वो तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अगर आपको ये लगता है कि आपको नीचे वाली सरकार ने किसी ने सॉरी नीचे वाली अगर अदालत ने न्यायालय ने इंसाफ नहीं दिया है, तो
तो आप ऊपर वाली सरकार के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप ऊपर वाली और सॉरी ऊपर वाली कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो एसआरबोमई क्योंकि बहुत ही रेजिलियंट आदमी थे, उन्होंने ऊपर वाली अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जब दरवाजा खटखटाया इन्होंने कि इनकी सरकार को क्यों बर्खास्त किया गया विदाउट गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में अपना वर्डिक्ट सुना दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट था ये वाला, ठीक है ना। 1994 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में क्या कहा? सबसे पहली चीज उन्होंने बोला कि सुधर जाओ, सुधरना बहुत लाजमी है, नहीं सुधरोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। सुधरना कैसे है? पहली चीज, जब भी राज्यपाल को लगे कि किसी भी सरकार के पास बहुमत खो चुका है, ठीक है ना, तो भैया उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का। अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे तो उनको हटा दीजिए, डिसमिस कर दीजिए सरकार को, दूसरी सरकार बनाने की कोशिश करिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, फिर भी नहीं बनती है तो डिसॉल्व कर दीजिए हाउस को, फिर चुनाव करवाइए। मतलब स्टेप्स होने चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि शंका हुआ किसी के ऊपर कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया, बुलाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत करनी जरूरी है, अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति को भी इन्होंने बोला कि आप किसी की सरकार को गिरा नहीं सकते, ठीक है ना, आपके पास किसी भी राज्य की सरकार को डिसमिस करने का जो आपको ताकत दिया गया है अंडर आर्टिकल 356, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहली चीज तो ये कहा एसआर बोमई केस में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था। मैं यहां पे पहली चीज लिख रहा हूं, साथ साथ में आपको यहां पे भी कनेक्ट करता रहूंगा। तो ये एक पहला सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिए कि एसआर बोमई केस ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी केंद्र की सरकार को, टू कर्ब द सेंटर्स कैपेसिटी, केंद्र की सरकार की कैपेसिटी को कर्ब करने के लिए, और ताकि वो सरकारों को आर्बिट्रेरी तरीके से डिसमिस ना करे और जो हमारा संघीय ढांचा है उसको अपहेल्ड करके रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस को इशू करा। सबसे पहला गाइडलाइन तो यही है, हाँ, कि भैया फ्लोर टेस्ट करवाइए। फ्लोर टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा लाजमी है, ठीक है ना। अगर ये लगता है कि कोई बहुमत मतलब नहीं प्रूव कर पाया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है, तो वहीं पता चल जाएगा। अगर कोई गवर्नर चिट्ठी लिख रहे हैं, किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं कि किसी भी स्टेट की जो कार्रवाई है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, एंड देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संविधानिक मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया है एज पर आर्टिकल नंबर 365, आर्टिकल 365 के तहत अगर ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी हो गया है तब भी इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता, तब भी क्या होगा, हाँ, आप सरकार को सस्पेंड कर सकते हैं। तो सरकार को डिसमिस कब कर सकते हैं? डिसमिस कब कर सकते हैं? सरकार को डिसमिस तब ही कर सकते हैं, एसआर बोमई केस कहता, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, राष्ट्रपति शासन की मंजूरी मिल जाएगी। तो राष्ट्रपति शासन की जब तक पार्लियामेंट मंजूरी नहीं देता है तब तक किसी भी राज्य की सरकार को डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट सेड द ओनली टाइम द प्रेजिडेंट शैल हैव अनकंडीशनल पावर्स टू डिसॉल्व अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, हाँ, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है, जब पता लगे कि पूर्ण तौर से संविधानिक मशीनरी बिल्कुल ही वो हो गई है, ब्रेक डाउन हो गया, संविधान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहा है, उसी समय में राष्ट्रपति एकदम से सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी ब्रेक्स लगा दी एसआर बोमई के केस ने। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इस केस में क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति अगर कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे उसकी भी जुडिशरी समीक्षा करेगी, देयर विल बी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। तो इस चीज को कहा गया, ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द जजमेंट ऑल्सो अंडरलाइन द सेकुलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेक ऑफ द बाबरी डेमोलिशन एंड सेड द पार्टी कैन नॉट रिसोर्ट टू रिलीजन फॉर सेकिंग ऑफ गेनिंग पावर एंड इट फाउंड टू बी इंडल्जिंग इन रिलीजियस पॉलिटिक्स कुड बी एक्टेड अगेंस्ट यूजिंग आर्टिकल 356।
ठीक है ना, ये भी कहा कि अगर कोई पार्टी संविधान के अगेंस्ट जा रही है, संविधानिक क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट जा रही है, तब आप आर्टिकल 356 लगा सकते हैं, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो सकता है। बट एमरजेंसी बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, क्योंकि लोगों ने सरकार को चुना होता है, लोकतांत्रिक आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स का, मापदंडों का हनन होता है, तो इसलिए आप एकदम से एमरजेंसी ना लगाएं। और गवर्नर को बोला है कि भैया आप थोड़ा ठहर के काम करिए, और जो आपने सरकार को डिसमिस करा था, एस आर बोमई की सरकार को जो आपने डिसमिस करा था, वो काफी आर्बिट्ररी था, वो काफी गलत था। और जब भी आपको यूपीएससी में सवाल आएगा बेटा, गवर्नर के ऊपर सवाल पूछा जाएगा कि गवर्नर के ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया है, उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करी है, तो आप एस आर बोमई का केस 1994 का बताएंगे कि अब गवर्नर के पास आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन नहीं है। ये कीवर्ड जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन नहीं है अब उनके पास, वो आर्बिट्रेरी तरीके से डिसमिस नहीं करवा सकते सरकारों को। और फ्लोर ऑफ द असेंबली, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहां पे किसी भी सरकार का क्या टेस्ट किया जाएगा, सरकार की, किसी भी सरकार की मेजॉरिटी को टेस्ट किया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पार्लियामेंट डिसअप्रूव या अप्रूव नहीं कर देती राष्ट्रपति शासन को, जो कि उसको 2 महीने के भीतर भीतर करना है, ठीक है ना। हाँ तो अगर अगर किसी सरकार को डिसमिस कर दिया गया है और वो, और उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं करा है, तो उसको रिवाइव कर दिया जाएगा, उस डिसमिस करी हुई सरकार को। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हिंदुस्तान में कभी इस तरह की चीज हुई है कि केंद्र की सरकार ने किसी सरकार को डिसमिस कर दिया हो, बाद में पार्लियामेंट ने उसको इमरजेंसी को अप्रूव ना किया हो, और वो वाली सरकार दोबारा से रिवाइव हो गई हो? बिल्कुल ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जिस देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने राबड़ी देवी जी की सरकार को बिहार में डिसमिस कर दिया था, और बाद में ये जो प्रोक्लामेशन था इनका इमरजेंसी का, वो अप्रूव नहीं हो पाया राज्यसभा में, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, तो राबड़ी देवी की सरकार को उनको रिवाइव करना पड़ा था। तो बेटा ये कोर्ट ने अभी ये भी बोल दिया है इस केस में कि आर्टिकल 356 का जुडिशियल रिव्यू होगा। तो प्रोसीजर ले करा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बताया राष्ट्रपति को कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, राज्यपाल को बताया उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और आर्टिकल नंबर 356 किस तरह से एप्लीकेशन होगा और किस तरह से सरकार डिसमिस होगी, उन सभी मापदंडों को डिफाइन कर दिया है। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जो भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसकी सीरीज में। इस तरह के और बहुत सारे हम इस सीरीज में लेके आएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, और इन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। कल भी हम लेक्चर लेके आएंगे, काफी लेक्चर्स आने वाले हैं इस सीरीज में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, और मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। मेरा कोड है जी राजपूत। अभी लेटेस्ट बैच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बेटा आने वाला है 26 जनवरी को आने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है। एंड अनअकैडमी से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन के थ्रू, जिसमें अभिनंदन कुमार है जिनका ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आया है। इस बार भी काफी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल आया हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट। इसको जरूर रिवाइज करिए, पबेड में भी इस्तेमाल होगा ये वाला केस, गवर्नेंस में भी इस्तेमाल होगा, पॉलिटी में भी इस केस को आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।